नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार 20 फरवरी से शुरू होगा, जो दो चरणों में 6 मार्च तक चलेगा और बीच में 7 दिन की छुट्टी भी रहेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सर्वसम्मति से बजट सत्र की तारीखों पर मोहर लगा दी है। हालांकि बजट सत्र की तारीखों पर अंतिम मंजूरी विधानसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देगी और इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 14 पेंशन योजनाओं में जनवरी से ₹250 की मासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वहीं 31.40 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन 1 फरवरी से मिलेगी। वहीं बता दें, मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियम विधेयक और शव निपटान विधेयक को मंजूरी दे दी। अब सरकार इन विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे बड़ी मंजूरी बता दें पेंशन बढ़ोतरी को दी गई और हर पेंशन में ₹250 मासिक की बढ़ोतरी की गई। यानी अभी जितनी पेंशन मिल रही है फरवरी में, उनमें ₹250 बढ़ाकर लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा करीब 1.5 महीने पहले ही कर दी थी। बता दें कि 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और बता दें कि दो चरणों में 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 14 वर्गों को जनवरी से मिलेगी बता दें कि पेंशन। वहीं 20 फरवरी से शुरू होगा और ₹250 के हर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। वहीं इसी पर चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रवीण आहूजा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रवीण आहूजा जी, बजट सत्र को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ, बजट को लेकर आज जो हमारा बजट है वो आज शुरू होने वाला है। अभी कुछ ही देर में हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी, जो कि आप अभी अभिभाषण के बाद अपना बजट का आरंभ अपना जो सबसे पहले अभिभाषण होगा, उसके बाद तमाम जो वहां पे मौजूद सांसद सभा के लोग बैठे तमाम बजट को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो आज से बजट सत्र आरंभ हो रहा है, जिसको लेकर गर्मा गहमा गहमी भी कहीं ना कहीं रह सकती है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग अगर पिछले काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि बजट आएगा तो बजट में कहीं ना कहीं गहमा गहमी होगी, तो इसको लेकर तमाम नमकी की तैयारी शुरू हो गई है। और जब सत्तारूढ़ पार्टी है उनका, जिसे कहते हैं कि लगातार जो दो बारी से लगातार जो सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, आज उनका जो अंतिम बजट है, और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव नजदीक आ गया, कहीं ना कहीं लोक लुभावन बजट भी हो सकता है, तो इसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है संसद में चलेंगी, क्योंकि नई संसद में आज पहला बजट का जो सत्र आरंभ हो रहा है, जिसको लेकर तमाम देश के लोगों की निगाहें वहां पर रहेगी कि किस तरह आज बजट का जो कार्यकाल है वो शुरू होने जा रहा है। जी जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गहलावत, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है बजट सत्र की रूपरेखा जो तैयार होगी उसमें किस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा? तकनीकी खामी के कारण शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स का। अंश वत्स जी, आपको क्या लगता है सत्र में क्या सरकार गरीब किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो भूपेंद्र जी हैं और मेरे को पाने देते हैं उनको मेरा नमस्कार।
देखिए, आज जिस प्रकार से हम देखा कि प्रधानमंत्री का सबसे पहले जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो उससे पहले प्रधानमंत्री का अभिभाषण जो होता है वो हर बजट सत्र की तरह करीब में इस बार भी हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब बजट सत्र के पहले प्रधानमंत्री का अभिभाषण होता है तो उसमें हमें पता चलता है कि बजट सत्र में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मीडिया को, जनता को, बाकी सभी लोगों को पता चलता है कि क्या क्या चीज, क्या रूपरेखा रहने वाली है बजट सत्र की या कोई भी अन्य सत्र होता है, तो उसकी एक रूपरेखा हमें पता चलती है, हमें पता चलता है कि क्या क्या एजेंडा आने वाले हैं। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तकरीबन 7 मिनट 1 सेकंड उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी बात की शुरुआत जो थी 1 से 2 मिनट जो थी उन्होंने बात करी थी वुमेन रिजर्वेशन बिल की, जो वो लेकर आए थे अपने पिछले सत्र में, उस पर उन्होंने 1 से 2 मिनट बात करी थी और उन्होंने 4 से 5 मिनट जो बाकी का बचा हुआ समय था वो उन्होंने बात करी थी अपनी राजनीति को लेकर कि क्या उनकी राजनीति रहती है, उसको उन्होंने चमकाने पर अपना पूरा फोकस किया हुआ था कि भैया पिछले संसद के सत्र में जो हुड़दंग मचा था, सांसदों ने ये किया, सांसदों ने वो किया। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, 140 करोड़ देशवासियों ने आपको चुनकर संसद में भेजा है, आपको बजट सत्र में बताना है कि आपका क्या एजेंडा रहने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर बात होने वाली है, इन सब चीजों को आप रखते हैं, ना कि आप इन सब चीजों पर बहस करेंगे, आप इन सब चीजों में अपने भाषण में रखेंगे कि भैया पिछले सांसदों ने ये किया वो किया। राजनीति चमकाने के लिए आपको थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनाया गया, आपको प्रधानमंत्री बनाया गया इस देश के 140 करोड़ देशवासियों ने ताकि आप इस देश के गरीबों का भला करें, आप इस देश की महिलाओं का भला करें। इस देश के मणिपुर की जनता चाहती थी कि इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोले, क्योंकि मणिपुर पर तो जाने वाले हैं नहीं। इस देश की पहलवान बेटियां चाहती थी कि वो अपने जो सांसद है बिजभूषण शरण सिंह उन पर कुछ बोले, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने बात करी हुड़दंग की, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया था हुड़दंग, हुड़दंग क्या संसद में जो सांसद आ रहे, विपक्ष के सांसद आ रहे, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और किसी अगर पर्टिकुलर एजेंडे पे अगर वो चाहते हैं कि सरकार बोले, अगर वो सरकार की जवाबदेही चाहते हैं, और क्योंकि हमारा माइक म्यूट कर दिया जाता है, हमें दिखाया नहीं जाता है, तो इस वजह से हम वेल में आते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से किसी भी प्रकार से हुड़दंग का एक माध्यम हो सकता है, जो कि प्रधानमंत्री ने शब्द प्रयोग किया था। तो प्रोटेस्ट भाजपा ने भी किया था 2009 में, प्रोटेस्ट भाजपा भी पहले करती थी, क्या वो हुड़दंग रहेगा जी? ये तो नहीं आ सकता ना, वो अपनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो उनकी आवाज, जिनकी आवाज बनकर वो संसद में आए हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि सारे सांसद चुप होकर बैठे रहे और सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बोले और कोई नहीं बोले, ताकि सारे उनके एजेंडे पास हो जाए। जी अंशवत्स जी बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रुक कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत वापस से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, जनता आस लगाए बैठी है इस बजट सत्र से, आपको क्या लगता है कि सरकार सबकी उम्मीदें क्या पूरा कर पाएगी? मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो ये बजट लेके आ रही है और जो भी सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखते भूपेंद्र गहलावत जी, तकनीकी खामी के कारण आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जी का। प्रवीण आहूजा जी, महिला किसान गरीबों के लिए बजट में कितने कुछ नया होने की उम्मीद है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये वो बजट है कहीं ना कहीं लोक लुभावना वाला बजट तो जरूर कहलाएगा। सबसे बड़ी बात नारी शक्ति बंधन को लेकर भी चर्चा रहेगी और आने वाले जो गरीबों को लेकर कहने की सरकार नई चीज पेश करने जाएगी, कहने को ऐसा प्रस्ताव पेश करेगी जिससे स्थानीय लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, जिसको लेकर जब सत्र आरंभ हो रहा है, सत्र में कहने की ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं
चुनाव से जुड़ी जरूर होंगे, चुनाव से जुड़ा मामला है तो कहीं ना कहीं लोग भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो तमाम ये चीजें सत्र में देखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात एक और आती है कि सत्र जो शुरू हो रहा है सत्र में कहीं ना कहीं गहमा गहमी जरूर रहेगी, क्योंकि बजट की तरह विपक्ष तो ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करे, और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं बजट जो विपक्ष है वो ये चाहेगा कि हम लोग सफल हुए। तो तमाम ये चीजें भी सत्र के दौरान देखी जा सकती है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं जो है वो चुनावों से जुड़ा होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद लोकसभा चुनाव होने, उसके बाद कई प्रदेशों में विधानसभा भी चुनाव होने, तो तमाम उन चीजों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं प्रयास करेगी कि जनता को सीधा अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो ये सब चीजें सत्र में कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। जी नवीन आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं हम कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स का। अंश वत्स जी, इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र है, आपको क्या लगता है जो वादे अधूरे रह गए थे क्या इस बार सरकार उनको पूरा कर पाएगी? पिछले 9 साल में उस हिसाब से ये बात स्पष्ट है कि ये सरकार अपने वादों को पूरा करने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने वादों को पूरा करने वाली सरकार होती तो वो आज 15 लाख हमारे सबके डाक अकाउंट में आते। शायद यहाँ पर जो हमारे पत्रकार साथी आप सब लोग हमारे बैठे हुए हैं, आप सब लोगों के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आते। शायद इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जो उन्होंने बात करी थी 2 करोड़ रोजगार की, आज हम सब लोगों को मिल गया होता तो शायद बेरोजगारी कम हो गई होती। शायद आज महंगाई में जो सिलेंडर 410 रुपए का होता था आज वो 1150 का नहीं होता। तो ये सरकार अपने वादे पूरे करने वाली नहीं है। आज आप देखिए, जो हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की जो बात आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो थी, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, और हमारी जब हम विपक्ष में बैठे हुए थे पिछले 9 साल में, तो तब हमने सरकार से कई बार अपील भी की थी, राहुल गांधी जी ने लेटर भी लिखा था इस देश के प्रधानमंत्री को कि वो इस रिजर्वेशन बिल को लेकर आए, और कांग्रेस पार्टी इसमें पूरा सरकार का समर्थन करने को तैयार है जी। लेकिन क्या हुआ, असलियत ये निकली कि सरकार ने क्या, अगर मैं आपको एक उदाहरण ना समझाऊं तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने एक अच्छी थाली हमें परोस कर दे दी है, महिलाओं को परोस कर दे दी है, उसमें अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन है, खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन ये कह दिया कि आप अभी इस थाली को खा नहीं सकते हैं। ये सरकार ने काम करा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल तो लेकर आ गई है लेकिन कह दिया कि अभी लागू नहीं हो सकता है। तो कई ऐसी महिलाएं थी जो सोच रही थी कि वो 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ेंगी, इस देश की संसद में विधानसभा में जाएंगी, लेकिन इस सरकार ने, इस देश के गृह मंत्री ने क्या कहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी लागू नहीं हो सकता है। तो जो 2029 का चुनाव आएगा, 2029 के चुनाव में इसको लागू किया जाएगा जी। और तो इस पर इतनी ज्यादा सरकार जो अपना बना रही है, हल्ला हुल्ला कर रही है कि भैया देखो हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, तो इस पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले इस देश की जनता को असलियत बतानी चाहिए कि भैया ये वुमेन रिजर्वेशन बिल तो आप लेकर आ गए हैं लेकिन इस देश की जनता के साथ आपने ठगी करी है। ये आपने उनको बता नहीं रहे कि भैया ये वुमेन रिजर्वेशन बिल 2024 के चुनाव में लागू नहीं किया जाएगा बल्कि इसको बाद में लागू किया जाएगा। जी अंश वत्स जी हमारे साथ बने रहिए। एक बार रुक कर लेते हैं वापस से बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत का। भूपेंद्र गहलावत जी, अंश वत्स का कहना है कि सरकार वादे पूरा करने वाली ये सरकार नहीं है, इस बजट सत्र में जो सरकार के वादे रह गए थे वो अभी पूरा नहीं हो सकते, ये वादे पूरा करने वाली सरकार नहीं है। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही है। देखिए मैं ये कहूंगा, जो ये बजट आ रहा है ये ना तो इलेक्शन के पर्पज से और ना कोई लोक लुभावना बजट है। हमारी सरकार हर साल जो भी बजट पेश करती है वो हर लोगों के कल्याणकारी होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ प्रोविजन होता है। अब की बार भी जो बजट आएगा उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और सभी वर्गों को उसमें कुछ ना कुछ देने की बात की। इन भाई ने कहा कि ये कोई वादा पूरा नहीं करते, हमने देखिए जो मेन वादे पूरे किए, हमने कहा था कि हम 370 हटाएंगे, हमने 370 हटाई, हमने राम मंदिर की बात की, हमने राम मंदिर बनाने की बात की। ये लोग कहते थे 370 हटाएंगे तो कत्लेआम हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। ऊपर बाकी आकर कश्मीर में दूसरे से खून खराबा कर इसको हल्ला कर दो काम।
व्यापार है वहाँ, जो टूरिस्ट है वो थोड़ी बगैर चिंता के वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। दूसरा राम मंदिर की बात थी, इन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने राम मंदिर बनाने की बात की। और देखिए हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, आयुष्मान योजना को लेकर के हम आए, हमने वादा किया था उसको हम लेके आए, और कोविड के बाद हमने कितने लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया है ये कोई सरकार नहीं कर सकती। और हमने आगे भी 5 साल तक, क्योंकि जिन लोगों का रोजगार चले गए थे वो दोबारा से पटरी पर लौटे, तो उनको हमने ये हेल्प करने का काम भी किया है। आज आप जो ये बजट कल पेश करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतामढ़, उसमें देखिए सब लोगों का कुछ ना कुछ फायदा होगा। और ये जो हर जरूरत हमारी सरकार ये देखती है, कोई चुनाव की परपज से नहीं होता, हमारी सरकार ये देखती है कि किस फर्क को क्या दिक्कत है और उसको उसके लिए उसका समाधान क्या हो, उसका समाधान करने की हमारी सरकार हर संभव कोशिश करती है। क्या होता परिवार पालने की ये लोग बात करते हैं, फायदे के लिए क्या एक कोई अवार्ड देने की बात होती, एक कोई होता कि वो सिर्फ अपने परिवार की बात करते थे, इनको हरियाणा प्रदेश के देश की जनता से कुछ नहीं लेना होता था। ये तो देखिए क्या एक कोई, अभी हमने भारत रत्न देने की बात की, ये तो भारत रत्न पहले इनकी कांग्रेस की सरकार में नेहरू परिवार से अलग किसी को नहीं दिया, हमने जो बैकवर्डों के मुखिया थे कर्पूरी ठाकुर जी उनको भारत रत्न देने का काम किया। ये सरकार जो है सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान और सब विश्वास के साथ काम करती है। ये सरकार गरीबों की भलाई करती है, किसानों की करती है, मजदूरों की करती है और ये हमेशा करती रहेगी। ये आप कह सकते हो कि इस जो लोकसभा का जो सेशन आखिरी है, लेकिन ये सेशन तो हर बार भारतीय जनता पार्टी ही सेशन करती रहेगी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोग विश्वास दे रहे हैं। देखिए जहां भी चुनाव होता है अगर हमारा बजट खराब हो तो देखिए कौन सर्टिफिकेट देता है, देती है, हर जगह हम चुनाव जीत रहे हैं, जिससे हमारी जो योजनाएं हैं उस पर देश की जनता मोहर लगाने का काम करती है, इसलिए हमको वोट देती है, इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ भाई भतीजावाद है और भ्रष्टाचार है, ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। विपक्ष की बात करो, अरे भाई कांग्रेस पार्टी से संबंध करते हैं तो राष्ट्रीय राहुल गांधी वो भी भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है, सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ केस है तो हमारी सरकार के दौरान नहीं हुआ, वो जब कांग्रेस की सरकार थी माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय केस हुआ था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इनकी आदत हो गई भ्रष्टाचार करना और परिवारवाद को पालना, इनकी आदत हो गई है। हरियाणा प्रदेश में भी देख लो कांग्रेस के कितने लोग जमा पारदर्शिता से और सारे देश के सभी वर्गों के विकास के लिए बजट लाती है और योजनाएं बनाती है जिससे हमारा देश खुशहाल हो। उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में हम 5वें इकोनॉमिक्स में पहुंच गए हैं और इस तरह से हमारा बजट आता रहेगा तो हम तीसरे उसमें भी जाने के लिए प्रयासरत है और जल्दी ही हम उसमें भी शामिल होंगे और सारे समस्याओं के हल, चाहे वो बेरोजगारी है या किसानों की असर दूर करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं और हमारा जो बजट बढ़िया बजट आता है उसको जनता सराहती है और हमेशा हमारी पार्टी को विजय श्री देने का काम करती है। आगे जो चुनाव आएगा अभी 24 में उसमें भी सारे के सारे 400 के करीब सीटें हम जीतने का काम करेंगे और फिर से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और हमारी सरकार आगे भी लोगों के हित के लिए सारे काम करती रहेगी। जी भूपेंद्र गहलावत जी बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा का। प्रवीण आहूजा जी, महिला किसान गरीबों के लिए बजट में कितना कुछ नया होने की उम्मीद है? जी सोनिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे बड़ी बात है समय पर चुनाव होने हैं, सरकार का ही जो है अंतिम बजट है
और बजट में सरकार कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो उसको लेकर महिलाओं को लेकर तो काफी ऐसी चीज पेश की जाएगी जिससे महिलाओं को काफी लाभ मिल सके। और सरकार भी कई बार कहती है कि महिलाओं के लिए काफी अच्छा काम किया, उससे सबसे बड़ी बात है बजट है, बजट में कहने की ऐसी चीज पेश आएंगी जो लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और देखने में ये भी आ रही है कि तमाम जितने भी सांसद हैं उन सभी को ये भी आदेश दिया गया कि जब बजट सत्र होगा बजट सत्र में सभी पहुंचेंगे और सबने मिलकर अपना सहयोग देना है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी रहेगी कि जो बजट में जो चीज सामने आएगी वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव से जुड़ी जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि चुनाव उसी समय चुनाव की घोषणा होने वाली है और उसके बाद जो है उसमें ये सब चीजें बजट में रखी जाएगी ताकि कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो उसको लेकर इस तरह का बजट जो है वो जरूर पेश किया जाएगा। तो सरकार कहीं इसमें कोई रफ्ती पर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेगी। जी सोनिया जी, प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत का। भूपेंद्र गहलावत जी, मजदूर गरीबों के कल्याण पर सरकार का कितना फोकस रहेगा? तकनीकी खामी के कारण शायद उनसे संपर्क टूट गया है, मैं रुक कर लेती हूँ एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता अंशवत्स का। अंशवत्स जी, बजट सत्र को लेकर आपको क्या क्या उम्मीदें लग रही हैं कि सरकार क्या क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगी? शायद तकनीकी खामी के कारण उनसे भी संपर्क टूट गया है, एक बार फिर रुक कर लेते हैं हम प्रवीण आहूजा का। प्रवीण आहूजा जी, किसान वर्ग के लिए क्या कुछ इस बजट सत्र में खास रहेगा? जी सोनिया, सरकार जो है किसानों के लिए हालांकि पहले बहुत कुछ करती आ रही है, लेकिन सरकार इस बजट में भी किसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने जाएगी जहां तक किसानों को उम्मीद नजर आ रही है। क्योंकि किसान जो है पिछले लंबे समय से जो न्यूनतम मूल्य की मांग करता रहा उसमें कहना नहीं, अभी हाल ही में वहीं चर्चा में जुड़ने के लिए बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत आपका धन्यवाद और कांग्रेस प्रवक्ता अंशवत जी आपका भी धन्यवाद। हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। देखिए कि बजट सत्र 20 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा, आपको बता दें कि और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। I can make dosas faster. Must be.